हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, आज का जो टॉपिक है गर्ल्स आपका रोल ऑफ एवेल्यूशन इन ट्रेनिंग। इसका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लोगों को बताया था कि मीनिंग ऑफ एवेल्यूशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन के उद्देश्य, साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन की भूमिका या महत्व, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था गर्ल्स। देन नेक्स्ट आता है, इसके पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इसी लेक्चर को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब आपका नेक्स्ट है कि जो इवैल्यूएशन होता है वो प्रगति का मूल्यांकन भी करता है, ठीक है ना। कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा को निर्धारित करती है और कार्यक्रम की उपलब्धि लोगों में परिवर्तन तथा उनके आर्थिक, सामाजिक और स्थितियों में परिवर्तन के रूप में व्यक्त की जाती है। सूचनाएं भी उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा बनाती है, तो उपलब्धियों की मूल्यांकन के लिए भी ये आवश्यक है। इस प्रकार मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम में की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है, जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होता है। देन मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्यूएशन, कि मूल्यांकन समय समय पर प्रगति को दिशा प्रदान करता है, ये ना, कि हमें पता चलता रहता है कि जब हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन या इवेल्यूएशन करते हैं कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो कार्यक्रम है वो किस दिशा में है, किस प्रगति पर है, या उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। देन प्रसार शिक्षण विधियों का चुनाव करना, ठीक है ना, कि जो हमने कार्यक्रम में प्रसार शिक्षण विधियाँ अपनाई हैं उनसे प्रशिक्षित जो लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो सही है ही नहीं, तो मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है। और अगर ऐसा है कि उन विधियों से ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हुए हैं, प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, तो उनमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। प्रगति के सबूतों को एकत्रित करना, कार्यकर्ताओं तथा नेतृत्व में विश्वास विकसित करना, कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण योजना को तैयार करना, कि कार्यक्रम के जो प्रोग्राम के स्टेप होते हैं, स्टेप बाई स्टेप जो होते हैं, उसकी प्लानिंग, एक तरह से ट्रेनिंग की जो योजना होती है उसको तैयार करना भी मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। देन इसका महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्यूएशन, कि मूल्यांकन प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है, जो निर्णय लेने में सहायक होता है, ठीक है ना। कल मान लीजिए कोई भी किसी भी शिक्षा का लास्ट में कोई इवेल्यूएशन या मूल्यांकन करते हैं, तो हम उसी के बेस पर अगले नेक्स्ट अपने कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं कि हमारे किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आए, हम किस में पढ़ाई आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से कार्यक्रम की सफलता या असफलता को आंका जा सकता है। किसी भी कार्यक्रम की कमियों से कमियाँ जो होती हैं मूल्यांकन द्वारा ही स्पष्ट हो पाती हैं, और मूल्यांकन के द्वारा ही कार्यक्रम का संचालन बेहतर ढंग से हो पाता है। मूल्यांकन भविष्य की योजनाओं को वास्तविकता के निकट लाता है। मूल्यांकन द्वारा जब लोगों को कार्यक्रम संबंधी प्रामाणिक या विश्वसनीय जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो कार्यक्रम को उनका समर्थन में विश्वास प्राप्त होता है। मूल्यांकन द्वारा प्रशिक्षुओं का मनोबल बढ़ता है तथा अपने काम के प्रति उनका विश्वास भी जागृत होता है। देन नेक्स्ट है मूल्यांकन के चरण, कि स्टेप क्या क्या है, मूल्यांकन की योजना बनाते समय मूल्यांकन के क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। सामान्यतः प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन के निम्न चरण आते हैं, कि उद्देश्य को निर्धारित करना, ठीक है ना, कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, किस लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, क्या योजना बनाई जा रही है, तो एक उद्देश्य निर्धारित करना, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना, उन संकेतकों को चिन्हित करना जो उद्देश्यों की ओर बढ़ाने के प्रमाण का संकेत देते हैं। देन उपलब्धियों को मापने के निमित्त यथोचित तकनीकी व विधियों को विकसित करना, मूल्यांकन की योजना के संबंध को में विचार एवं निर्णय लेना, उद्देश्य की प्राप्ति को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक आंकड़ों के चयन संबंधी निर्णय लेना, और प्रतिदर्श का चयन तथा आंकड़े एकत्र करना, आंकड़ों का विश्लेषण तथा परिणामों की व्याख्या करना। तो ये सारे स्टेप होते हैं कि जब मूल्यांकन की योजना बनाई जाती है तो हम उसमें कौन कौन से स्टेप चरणों का यूज़ करते हैं। कि कोई भी कार्यक्रम की योजना बनाते समय सबसे पहले उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना, ठीक है ना, उनके हिसाब से फिर योजना बनाना, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है,
कौन सी प्रसार विधियों का चुनाव करना है, तो ये सब मूल्यांकन के चरण इस तरह से हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ गर्ल्स आपसे। थैंक यू।